पक्षी कभी भी शिकारी जानवरों का सामना नहीं कर सकते। जरा आप ही सोच कर देखिए कि अगर एक चिड़िया के सामने एक बड़ा सा शेर आकर खड़ा हो जाए तो वो क्या कर लेगी। यही कारण है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऊंचे से ऊंचे पेड़ का इस्तेमाल करते हैं और वहीं पर अपना घर बनाती हैं। लेकिन वो शेर से तो बच जाती हैं, लेकिन लेपर्ड जैसे खतरनाक जानवर पेड़ पौधों पर बड़े ही आराम से चढ़ जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, जहाँ हॉर्नबिल के एक जोड़े ने अपना घर एक पेड़ की काफी ज्यादा ऊंचाई पर बनाया हुआ था। लेकिन इस बात का पता जब लेपर्ड को चलता है तो वो उनके घोंसले पर हमला करने के लिए पेड़ के ऊपर आ जाता है, और उस टाइम हॉर्नबिल वहां पर नहीं थे। और इसी का फायदा उठाकर लेपर्ड उसके बच्चों को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इनके घर के साइज थोड़ा छोटा था और यही कारण था कि वो अच्छे से उसके अंदर नहीं घुस पाया। काफी बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कामयाब भी रहता है, जिसके चलते वो उसके एक बच्चे को बाहर निकाल लेता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसका बच्चा पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके पीछे पीछे लेपर्ड भी जमीन पर कूद जाता है। और वो दोनों पक्षी जब वापस घर पर आकर अपने बच्चों को नहीं देख पाते तो वो समझ जाते हैं कि उनका शिकार किसी जंगली जानवर ने कर लिया। और बिल्कुल इसी तरह खतरे में मौजूद हम लोग इस चिड़िया के बच्चों को भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चिड़िया मौजूद थी जिसके चलते वो सांप से ही पंगा लेने लगती हैं। वैसे तो ये आकार में काफी ज्यादा छोटी होती हैं, लेकिन ये वो चिड़िया हैं जो हमेशा झुंड में रहना पसंद करती है। और इसी का फायदा उनके सामने भी आया, क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक उसके ऊपर हमले करती जा रही थी। सांप फिर भी लाख कोशिशें करके उनके घोंसलों के अंदर घुसने की कोशिश करता है। लेकिन जब सांप ने देखा कि चिड़िया का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है तो वो चुपचाप वहां से चला जाता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ, जहाँ एक बाज का बच्चा ये सोचकर एक घोंसले में आ घुसा था कि शायद यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर मौजूद बच्चे बिल्कुल उसी के साइज के हैं। और वहाँ पर जाकर तो मानो उसने अपना सर ही ओखली में दे दिया हो, क्योंकि वो दोनों उल्लू के बच्चे उसका काफी बुरा हाल कर देते हैं। और कुछ ही देर बाद हम देख पाते हैं कि उसको अपनी जान बचाना भी काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लगातार उल्लू के बच्चे उसके ऊपर हमला कर रहे थे, जहां उल्लू के एक बच्चे ने उसके पंखों को बड़े ही जोर से पकड़ रखा था और वो उससे अपने पंखों को छुटवाने के लिए उल्लू के बच्चे के पैरों को पकड़कर दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन काफी देर तक मशक्कत करने के बाद इस बच्चे की मेहनत रंग भी लाई और वो वहां से बच निकला। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए ऑफबीट को सब्सक्राइब जरूर करें।